हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ अपडेट्स पर। आज की वीडियो में बात करेंगे नोट सेट 2022 के बारे में। दोस्तों, जो नोट सेट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो एम्स के द्वारा, दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए होता है। जितने भी अपने कंट्री में जितने भी एम्स हैं सभी के लिए रिक्रूटमेंट होती है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके लिए नोट सेट 2022 का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे इस वीडियो में बात करेंगे हम आपसे कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब से कब अप्लाई करें, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। तो मैं आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर द नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए। अगर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की बात करें तो सैलरी पे स्केल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 9300 से लेकर 34800 पे सैलरी रहती है, और पे स्केल इसका 4600 ग्रेड पे रहता है लेवल 7। ये जो लोकेशन होती है ऑल इंडिया के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं, ये 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अपटू 5 PM। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो आप इसको जरूर अप्लाई कर लीजिए। इसकी साइट की बात करें nosat2022.aims.ac.in की वेबसाइट है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके, 4 अगस्त 2022 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात कर ली जाए तो 21 अगस्त 2022 अप टू 5 PM तक इसको आपको अप्लाई करना है, यानी लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त है। उससे पहले ही अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। कुरेक्शन इन फॉर्म की बात करें तो आपको कुरेक्शन रहती है जो एप्लीकेशन फॉर्म में 22 से लेकर 23 अगस्त तक कर पाओगे। एग्जाम की डेट आपको 11 सितंबर 2022 एक्सपेक्टिंग। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली जाए तो जनरल स्लैश ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 है, एससी एसटी स्लैश ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है, और पीएच के लिए 0 है। पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन रहेगा। अगर दोस्तों इसमें एज की बात कर ली जाए, इसमें जो एज है 18 से 30 से इसके बीच में होनी चाहिए एज ऑन 21 अगस्त 2022। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें नोट सेट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होने चाहिए, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपको अप्रूव होना चाहिए, या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से आपको ये कंप्लीट करनी होनी चाहिए। साथ में अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास इन नर्सिंग में, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है यूनिवर्सिटी, और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या और इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें डिप्लोमा इन जन अगर आप डिप्लोमा किया हुआ है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट से बोर्ड से आपने जीएनएम का डिप्लोमा किया हुआ है, और आप एज एन रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल होने चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है इन मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल में, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप जीएनएम के बेसिस पे इसको अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अब बात करता है रिक्वायर्ड टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया है दोस्तों, ये होना चाहिए। द एक्सपीरियंस सेल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्स रजिस्ट्रेशन विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इसके साथ। अगर दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये मैंने आपको बता दिया है आपको अप्लाई करना है, तो नोट सेट 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द नर्स एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए नोट सेट 2022 में इंक्लूड द फ्लोइंग स्टेज। इसमें रिटर्न एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है। एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव होती है मार्किंग होती है 1/3। टाइम ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स का रहता है। मोड एग्जाम आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेता जनरल स्लैश ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी के लिए 40% है, और पीडब्ल्यूबीडी स्लैश पीएच के लिए 45% रहेगा आपका ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। इसमें दोस्तों एग्जाम की बात कर ले जाए तो इसमें जीके जो सब्जेक्ट रहता है जीके एप्टीट्यूड रहता है, 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं, और जो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड 180 क्वेश्चन आएंगे, जो 180 मार्क्स टोटल एग्जाम पे क्वेश्चन 200 होंगे और जो मार्क्स होंगे टोटल आपके 200 होंगे यानी 200। अब दोस्तों बात आती है कैसे आप इसको अप्लाई करना है।
दोस्तों आपको सिंपली स्टेप मैं इसमें बताऊंगा, आपको साइट पर जाकर इसको अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है www.norset2020.aims.exams.ac वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बनना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अगर आप एलिजिबल होते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है और अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो norset2020.aims.exams.ac, यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्टेंट अनाउंस के रूप में, यहाँ पे अगर आप norset के लिए अप्लाई करना चाहते हो ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन की डेट पाना चाहते हो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, नोटिफिकेशन है यहाँ पे और साथ में अपडेट्स के बारे में है, कैसे आपको अपलोड करनी है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, अप्लाई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, मैं एक बार एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देता हूँ, आपको इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लेना है ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली के लिए एडवर्टाइजमेंट दी हुई है और साथ में अदर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स के लिए दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इस वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी है और आप यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा norset 2020 हैज बीन स्टार्टेड हो चुके हैं, आपको सिंपली क्लिक कर लेना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैंने इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से रीड करके उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।